बिल्कुल हरचरण जी, लेकिन साथ साथ जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी भी कई डिमांड थी, टीचर्स की कई डिमांड थी, उम्मीद की जा रही थी जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर इन पर भी चर्चा की जाएगी, तो उन्हें लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं? नहीं, वो ऐसा है कि आपको तो मालूम ही है कि जो जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो हमारे अध्यापक लोग हैं या कोई और जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है। तो जितनी भी डिमांड्स आज तक कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूव की थी उनको तो कैबिनेट ने आज अप्रूवल ही दे दी है, लेकिन जो किसी की कोई मांगे रहती हैं तो उसके लिए 14 तारीख को जो टीचर्स की डिमांड है वो भी उसी में शामिल हैं, तो उसके लिए 14 तारीख के लिए कैबिनेट सब कमेटी दोबारा मिलेगी और उसमें उसके ऊपर डिसीजन लेगी। यानी कि जो मुद्दे आज छूट गए हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है उनमें टीचर्स के मुद्दे शामिल हैं और कर्मचारियों की जो और डिमांड्स हैं वो शामिल हैं, वो 14 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग होगी उनमें बात की जाएगी अर्चना जी? नहीं, छूटने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ पहले ही कैबिनेट सब कमेटी हमने सेटअप की हुई है, तो आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी यही कहा गया है कि जो कैबिनेट सब कमेटी है वो 14 तारीख को जो है उसको सभी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार करके उसके ऊपर डिसीजन लेगी। जो कॉलोनियों को रेगुलर करने की बात की गई है, जितनी भी कॉलोनी है उन तमाम कॉलोनियों को इसमें शामिल किया गया है या कुछ अलग अलग जगह से स्पेसिफिकली कॉलोनियां चुनी गई हैं? नहीं 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 नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, इट्स ए जनरल पॉलिसी स्टेट वाइड, तो उसके जो सभी वो काफी डिटेल्ड पॉलिसी है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा पूरी पॉलिसी आपको यहाँ बता पाऊँ, लेकिन वो स्टेट वाइड पॉलिसी है, ये अक्रॉस द बोर्ड लागू होती है और कॉम्प्रिहेंसिव जो जितनी भी कॉलोनीज हैं उसके ऊपर वो लागू होती है, उसके जो भी प्रोविजंस होंगे पॉलिसी के वो वहाँ उसमें स्टेटेड हैं, लेकिन वो इतनी लंबी पॉलिसी है कि मेरे लिए इतना शायद पॉसिबल और आपके लिए भी शायद पॉसिबल ना हो कि इतना टाइम आपके पास हो कि मैं सारी ही पॉलिसी आपको अभी पढ़ के सुना दूँ, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। और उस पॉलिसी के में एक बात ये भी है कि ये तो ठीक है कि अब तक जो कॉलोनीज बनी हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा ताकि जो वहाँ की डेवलपमेंट है उसको हम ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है जो फ्यूचर के लिए कोई भी ऐसी कॉलोनी या कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल होगी उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज तक जो आज पॉलिसी हुई है उसके ज़रिए जो आज तक की सभी इरेगुलर या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। बिल्कुल हरचरण जी, जितनी जल्दी जल्दी मीटिंगें बुलाई जा रही हैं, कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है, आज हुई है, 14 को फिर बुलाई जा रही है, तो क्या सरकार चुनावों से पहले तमाम जो अहम फैसले वो पूरे कर देना चाहती है ताकि कोई नाराज ना रहे? फैसले जो हम चुनाव की जो हमने फैसले वादे किए हुए थे वो तो हम बहुत पहले ही पूरे कर चुके हैं, और ये जो मीटिंग्स की आप बात कर रहे हैं तो ये तो मीटिंग जो है ये ऐसा नहीं है कि इसी महीने चल रही, तो लगातार चलती आती हैं और हर महीने में शुरू से ही पहले साल से ही हर महीने में 2 या 3 जो है कैबिनेट मीटिंग्स होती रहती हैं, तो अब भी हो रही हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो शायद आपको या किसी और को ये लग सकता है कि शायद ये मीटिंग जो है, लेकिन बिकॉज आप तो बड़े इनलाइटेंड लोग हैं, आपको तो याद ही है के पास्ट में भी जो मीटिंग्स हैं वो बड़ी कि हमारी सरकार जो है वो लोगों के साथ हर पल हर रोज जो उनकी समस्याओं को समझ के हर पल जो है उसके ऊपर फैसले लेती है, तो इसलिए जो हमारी कैबिनेट है वो भी बड़ी प्रोएक्टिवली जो है रिसेप्टिव रही है टू पब्लिक ओपिनियन एंड टू पब्लिक सेंटिमेंट, इसलिए हमने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई ऐसी लोगों की बात है और हमारे सामने आती है और हमारी 4-4 महीने कोई ऐसी सरकारें यहाँ रही हैं पहले कि 5-5, 6-6 महीने मुख्यमंत्री साहब ही अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो हमारी सरकार ऐसी नहीं है, हमारे हम तो शुरू से ही जो हमारी कैबिनेट मीटिंग्स हैं वो रेगुलरली होती रहती हैं और मुख्यमंत्री साहब तो रोज लोगों के बीच होते हैं शहरों में गांव में। बिल्कुल हरचरण जी, जैसे कि आज की मीटिंग में कॉलोनियों को रेगुलर करना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, साथ साथ जो पेंडिंग बिल थे उन्हें माफ करना, ये खास फैसले हुए जैसे कि आप बता रहे हैं, और अब जो 14 दिसंबर को अगली कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो खास मुद्दा क्या रहेगा, कौन कौन सी चर्चाएं रहेंगी, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है? नहीं, कुछ एम्प्लॉयज की डिमांड्स हैं, जो कुछ एनोमलीज की भी बात थी, कुछ और भी बातें हैं, ETS टीचर्स की बात है, या कुछ ऐसी होता है कि कोई जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि ये सरकार है जो है ये बहुत ही
पॉजिटिव इसका एटीट्यूड रहा है। तो मैं तो आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे ये पता है कि कभी लोग कहते हैं कोर्ट जब लग जाता है तो कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि लोगों का हमारे साथ जो है वो इतना रब्ता है कि चुनाव के दिन तक भी जो लीगली परमिसेबल जो गवर्नमेंट एक्टिविटी होती है उसके फैसले होते हैं वो होते रहेंगे। तो ये जो है इसी तरह से जो आज भी फैसले हुए हैं और आगे भी, हमारा ऐसा नहीं है कि चुनाव शुरू हो गया तो गवर्नमेंट यू नो अब चुनाव में चले गए तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो वी बिलीव इन वेरी एक्टिव गवर्नेंस एंड दैट्स अ काइंड ऑफ गवर्नेंस वी प्रोवाइडेड फ्रॉम डे वन, नॉट जस्ट नाउ। एंड यू आर अवेयर both that our cabinet has been meeting very regularly twice or thrice a month and our chief minister is in the villages and towns every day from the first month and the first week of 2007 when we were given the responsibility of serving the people of Punjab.